मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर रॉक्सैना को सर्व करते हुए देख सकते हैं। वो हमेशा अपने डैड के साथ सर्व करती थी। इसके बाद अब वो बड़ी हो चुकी थी। जब भी वो पानी में जाती है तो अपने फादर को याद करती है। नेक्स्ट सीन में जब हम उसे कॉलेज में देखते हैं तब वो समुंदर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले रही थी। बाहर आकर उसने डाइविंग क्लास की इन्फॉर्मेशन देखी जो फ्री था। वो घर पर आती है तो उसकी मदर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वो कहती कि आजकल तुम अपने थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे। एक्चुअली अपने फादर के डेथ के बाद रॉक्सैना ने एक बार सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, इसी वजह से उसकी मदर हमेशा उसे थेरेपिस्ट के पास भेजती रहती है। रॉक्सैना कहती है कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है और अब वो फिर से वहाँ पर नहीं जाना चाहती। मदर को इम्पोर्टेंट लगता था और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। अगली दिन रॉक्सैना एक ट्रेन लेकर डायरेक्टली जहाँ पर ड्राइविंग क्लास होने वाला था वहाँ पर चली जाती है। उसने अपनी मदर से कहा कि थोड़े दिनों के लिए मैं मेरी फ्रेंड के साथ रहने वाली हूँ। उसके पास होटल के लिए पैसे नहीं थे तो सी के पास ही वो सोती है। ड्राइविंग क्लास जिसने अरेंज किया था उसका नाम था टॉम। टॉम आकर उसे उठा देता है, कहता है कि ये कोई सोने की जगह नहीं है। उसे कहता है कि अगर तुम्हें रहना है तो यहाँ पर एक हॉस्टल है जहाँ पर तुम रह सकती हो। रॉक्सैना कहती है यहाँ तक आते आते ही मैंने सारे पैसे स्पेंड कर दिए। टॉम को देखते हुए बहुत पसंद आई थी। इसके बाद ड्राइविंग क्लास स्टार्ट होता है। वहाँ के इंस्ट्रक्टर का नाम था लॉरेंट। उन्हें सबको समझा रहा था, कहता है कि जब भी आप फ्री ड्राइविंग कर रहे हो तो वहाँ पर एक पीस होना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप जब ड्राइव करोगे तो अकेले मत करना, ज़्यादा नीचे जाने का ट्राई मत करना, वो पॉइंटलेस रहेगा और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। पानी के नीचे जाते वक्त आपको आपके फ्रस्ट्रेशन, एंगर और फियर्स इन सब पर काबू लाना पड़ेगा। उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं। टॉम रॉक्सैना को स्पेशल ट्रेनिंग देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक वर्ल्ड चैंपियन जिसका नाम था पास्कल, ये वहाँ पर आ जाता है। वो भी उनसे यही कहता है कि अगर आपने अपने फियर को काबू कर लिया तो आप सक्सेड हो सकते हो। इसके बाद रॉक्सैना पास्कल को डाइव करते देखती है। वो बहुत ही नीचे जाता है। वो टॉम से पूछती है कि पास्कल डाइविंग में इतना बेस्ट कैसे है। टॉम उसे कहता है कि वो कितना भी पेन मैनेज कर सकता है, ये उसे सबसे बेस्ट बनाता है। क्लास छूटने के बाद टॉम ने रॉक्सैना को उस हॉस्टल के बारे में बताया। आज रात वो सब लोग मिलकर हैंगआउट करने वाले थे और वहाँ पर वो रॉक्सैना को भी बुला लेता है। रात में रॉक्सैना रेडी होकर आए, टॉम उसे वेलकम करता है और पास्कल उसे देखता ही रह गया। पास्कल ने आज क्लास में उसे नोटिस नहीं किया था और अब वो फर्स्ट टाइम उसे नोटिस करता है। रॉक्सैना को भी पास्कल पसंद आया था, वो एक दूसरे को ही देख रहे थे। जब वो वॉशरूम जाती है तो उसके पीछे पीछे पास्कल भी आ जाता है। उसके करीब आ गया, उसे किस कर लेता है। इसके बाद दोनों वही के वही इंटीमेट होने लग जाते हैं। थोड़ी देर में वो वापस आए और डिनर टेबल पर सबको पता चल चुका था कि उन दोनों के बीच में हुआ क्या था। इस बात से टॉम ज़रा डिस्टर्ब होता है, पर इससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब पास्कल की गर्लफ्रेंड हुई थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पास्कल रॉक्सैना को अपने बोट में एक जगह दिखाने के लिए लेकर गया। वो दोनों मिलकर फिर साथ में डाइव करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। पास्कल उसे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी डाइव करती हो। अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस में उसे अपने साथ लेकर आया। रॉक्सैना को वहाँ पर देखकर पास्कल की टीम को अच्छा नहीं लगता, स्पेशली लॉरेंट। वो उसे कहता है कि तुम डाइविंग में न्यू हो और तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रॉक्सैना कहती है कि पास्कल ने मुझे कहा कि तू रूटीन डाइव है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लॉरेंट कहता है कि पास्कल आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ट्राई करने वाला है। आज जो ट्राई करने वाला है ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है, उसकी पूरी टीम यहाँ पर थी। पानी के अंदर 182 मीटर्स तक वो जाने वाला था। पानी के अंदर हर एक डेप पर कुछ लोग उसे असिस्ट करने के लिए वहाँ पर रहने वाले थे। इसके बाद पानी में एक वायर डाली जाती है जिससे पास्कल नीचे जा सकता है। सब लोग उसके लिए रेडी थे और वो नीचे गया। थोड़ी देर में वो वापस आ जाता है। अपनी प्रैक्टिस में उसने सक्सेसफुली वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था, पर ये ऑफिशियल नहीं था। उसे असिस्ट करने वाले सब लोग ऊपर आ जाते हैं, पर लॉरेंट ज़रा वरीड था क्योंकि एक आदमी ऊपर ही नहीं आता। वो जल्दी से उसे बचाने के लिए नीचे जाते हैं। उस आदमी को पानी के नीचे ही स्ट्रोक आ गया था, उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। ऊपर लाने के बाद रॉक्सैना ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो कुछ भी कर नहीं पाई। किनारे पर आने के बाद वो पुलिस से बात करता है। लॉरेंट पास्कल से कहता है कि उस आदमी को 40 मीटर्स तक होने का एक्सपीरियंस नहीं था, हमें उसे वहाँ पर जाने नहीं देना चाहिए था। वो इस बात के लिए पास्कल को ब्लेम कर रहा था। पास्कल उसे कहता है कि तुम्हें भी पता था कि वो रेडी नहीं है, इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अपने फ्रेंड का शोक मनाने के लिए एक जगह पर वो सब लोग मिलते हैं। पास्कल सबसे कहता है कि हमारा फ्रेंड पैशनेट था, हमारे गोल पर वो बिलीव करता था। उसकी डेथ को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बनाने वाले थे ये बना कर रहेंगे। उनके फ्रेंड की जगह पर और कोई आ जाता है, पर सरफेस का डाइवर उन्हें चाहिए था। रॉक्सैना कहती कि मैं सरफेस पर रह सकती हूँ। लॉरेंट को ये बात ठीक नहीं लगती क्योंकि अब भी वो न्यू है,
उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। टॉम कहता है कि बाकी ड्राइवर से तो अच्छी है, वैसे भी उसे मेडिकल इमरजेंसी का एक्सपीरियंस है तो हमें हेल्प कर सकती है। टॉम भी इस बात से एग्री करता था और इसी वजह से रॉक्सैना उनकी टीम को ज्वाइन कर लेती है। पास्कल को लगता है कि शायद उसकी वजह से रॉक्सैना अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही, वो कॉलेज में थी और उसने छोड़ दिया था। इस बात के बारे में वो रॉक्सैना से बात करता है। रॉक्सैना ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ ही इस टीम का पार्ट बनकर रहना है। वो फिर से कॉलेज वापस नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद वो रॉक्सैना को ट्रेनिंग देते हैं, उसे जेस्चर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब भी डाइवर ऊपर आता है तो उसे पूछा जाता है कि क्या वो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं बता सकता तो तुरंत उसे मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है। इसके बाद उनका ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का टाइम आ चुका था। पास्कल डाइव करता है और सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल हुई, उसने 180 मीटर का रिकॉर्ड बना लिया। पास्कल और रॉक्सैना की रिलेशनशिप भी बहुत ही अच्छी चल रही थी। रॉक्सैना सब कुछ छोड़कर डायरेक्टली यहाँ पर आ चुकी है तो उसकी मदर उसके लिए बहुत ही वरीड थी। रॉक्सैना उसे कहती है कि सब कुछ ठीक है। मदर ने उसे पूछा कि तुम वापस कब आ रही हो। रॉक्सैना कहती है कि अब मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ, मैं पास्कल से मिली हूँ और उससे मैं प्यार करने लग गई हूँ। मदर कहती है कि तुम एक आदमी के लिए अपना पूरा करियर बर्बाद नहीं कर सकती, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। रॉक्सैना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अब वो पास्कल के साथ ही रहना चाहती थी। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने की खुशी में सब लोग पार्टी करते हैं। नेक्स्ट डे सब लोग मिलकर हैंगआउट कर रहे थे तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है किसी और ने 2 मीटर से उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पास्कल सोचता है कि हम फिर से रिकॉर्ड बना लेंगे, ये कोई बड़ी बिग डील नहीं है। इसके बाद वो रिकॉर्ड बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए गए। वहाँ पर अचानक से पास्कल ब्लैकआउट हो जाता है। डॉक्टर उसे पूछते हैं कि कितने बार हुआ है। पास्कल कहता है कि शायद ये बीच बीच में हो रहा था। डॉक्टर ने उसे कहा कि अब तुम्हें फिर से फ्री डाइविंग नहीं करनी चाहिए, अगर तुम कंटिन्यू करते रहे तो तुम्हारी लाइफ को प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर से मिलने के बाद रॉक्सैना उसे कहती है कि हमें किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शायद हम कोई और ओपिनियन ले सकते हैं। पास्कल कहता है कि डॉक्टर का हमें डराने यही जॉब है, वो हमेशा ऐसा ही कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पास्कल रॉक्सैना को ट्रेन करता है। रॉक्सैना भी एक फ्री डाइवर बनना चाहती थी, इसी चीज़ के लिए उसे ट्रेन करता है। कॉम्पिटिशन का दिन आया और वुमन्स में रॉक्सैना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। उसे सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते, उसके लिए सब लोग बहुत खुश थे। वहीं पर उसकी मदर भी आई हुई थी और पास्कल से बात कर रही थी। रॉक्सैना देखकर सरप्राइज हो गए। वो अपनी मदर से जाकर पूछती कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, वैसे भी तुम्हें सी पसंद नहीं है। मदर कहती है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही हो। रॉक्सैना कहती है कभी भी तुमने मेरी किसी भी चीज़ को अप्रूव नहीं किया। मदर पास्कल से कहती है कि रॉक्सैना जो भी कर रही है ये उसके लिए सही नहीं है। आज उसने जो किया है बहुत ही अमेजिंग था, पर लॉन्ग टर्म में इस तरीके से वो सब कुछ छोड़कर यहाँ नहीं आ सकती, उसे अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए। रॉक्सैना अपनी मदर की बात नहीं मानने वाली थी, उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। एक रात रॉक्सैना उठी तो बेड पर उसके साथ पास्कल नहीं था, किसी चीज़ के बारे में वो ज़रा वरीड था। रॉक्सैना इसके बारे में उसे पूछती है पर उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में वहाँ पर कम्पीट करने के लिए एक अमेरिकन डाइवर आई हुई थी, उसने प्रैक्टिस में ऑलरेडी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था, आज भी वो वैसा ही करती है। ये देखने के बाद वहाँ पर पास्कल भी आ जाता है। वहाँ के जजेस से कहता है कि मुझे भी कम्पीट करना है, पर उसकी हालत ज़रा ख़राब थी और इसी वजह से उसे कम्पीट करने के लिए वो नहीं मानते। इस बात से उनसे झगड़ा करता है और वहाँ से चला जाता है। रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस था और सब लोग विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। रॉक्सैना को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पास्कल भी आया हुआ था। रॉक्सैना को एक मेडल मिलता है, उसी के साथ साथ जो अमेरिकन ड्राइवर थे उसकी भी बहुत तारीफ की गई। ये बात पास्कल को अच्छी नहीं लगती और उसकी तारीफ होते हुए वो नहीं देख सकता था तो वहाँ से बाहर आ गया। थोड़ी देर में रॉक्सैना भी बाहर आती है, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, कहती कि मुझे तुम्हारी वहाँ पर बहुत ज़रूरत थी, मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम्हें वहाँ पर होना चाहिए था। पास्कल उसे समझाता है कि उस लड़की ने मेरा रिकॉर्ड ब्रेक किया है, उसके सामने मैं बैठ नहीं सकता था। रॉक्सैना फिर भी उस पर गुस्सा थी। पास्कल उसे कहता है वहाँ पर तुम्हें फेम मिल रही थी और इसी वजह से तुम बहुत खुश थी। रॉक्सैना कहती कि मुझे ब्लेम करना फेयर नहीं है। पास्कल कहता है कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या फेयर नहीं होता। मैं जब 5 साल का था तभी मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरी मदर हमें अकेला संभालती थी, संभाल कर वो भी फाइनली थक गई थी, हमें हमारे हाल पर वो छोड़कर चली गई। उसके बाद से मैं वर्ल्ड से कभी भी नहीं आ रहा, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने पा ली है, अभी भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकता। रॉक्सैना उसे सॉरी कहती है पर पास्कल कहता है कि मुझे ज़रा स्पेस चाहिए। रॉक्सैना ने उसे कॉल करने की बहुत ट्राई किया पर वो कॉल नहीं उठाता। जब वो अपनी कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे थे तो पास्कल के फ्रेंड से रॉक्सैना को पता चलता है कि वो किसी और टाउन में चला गया है।
इसके बाद लॉरेन रॉक्साना को ट्रेन कर रहा था वाटर के अंदर काम कैसे रह सके, इस पर वो काम कर रहे थे। रॉक्साना पास्कल की वजह से फोकस नहीं कर पा रही थी, उसी ने उसे पूरी ट्रेनिंग दी थी। लॉरेन उसे कहता है कि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें नेचुरल बॉर्न टैलेंट होता है, तुम उनमें से हो। तुम्हें अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, पास्कल की नहीं, मेरी भी नहीं, तुम सिर्फ खुद ये कर सकती हो। इस बात से रॉक्साना को ज़रा कॉन्फिडेंस आता है और वो काम हो पाई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में रॉक्साना की इंटरव्यू चल रही थी। इंटरव्यूअर उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है जो रॉक्साना को अच्छा लग रहा था, वो भी उसकी बातों पर पोलाइट होकर उसे स्माइल कर रही थी। दूर से पास्कल ये बात देख रहा था और इस बात से वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हम यहाँ पर किस लिए आए, इस बात पर तुम्हें फोकस करना चाहिए। कोई भी आदमी आकर अगर तुमसे अच्छे से बात करने लग गए तो तुम उसे रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। रॉक्साना ने कहा कि तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। पास्कल कहता है कि मुझे सिर्फ ज़रा टाइम ऑफ चाहिए था। अगले दिन पास्कल ने सब लोगों की मीटिंग बुलाई। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी हालत अब सही नहीं है, शायद मैं रिकॉर्ड नहीं बना पाऊंगा, इसी वजह से रॉक्साना रिकॉर्ड बनाएगी। टॉम इस बात से एग्री नहीं करता। रॉक्साना अभी इस गेम में न्यू थी और वो डायरेक्टली इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर सकती, ये उसके लिए बहुत ही रिस्की होगा। पास्कल मान नहीं रहा था तो टॉम कहता है कि मैं क्विट करूंगा। पास्कल कहता है कि बाकी सब लोग अगर मेरे साथ है तो उनके साथ मैं रिकॉर्ड तोड़ कर दिखाऊंगा। जो चीज़ पास्कल कह रहा था ये लॉरेन को भी सही नहीं लग रही थी, इसी वजह से उठकर जाने लग गया। इस बात की वजह से रॉक्साना सब पर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम लोग मेरे लिए डिसीजन लेते हो, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ, ये डिसीजन मेरा होना चाहिए। उन सबको बिठाती है और कहती है कि मैं भी एक चैंपियन बनना चाहती हूँ। रात में पास्कल और रॉक्साना मिलकर डिनर कर रहे थे। पास्कल अपने अंकल की फोटो देख रहा था, उन्होंने उसे फ्री डाइविंग सिखाई थी। रॉक्साना कहती है कि मेरे फादर के साथ डाइविंग करती थी, मैं जब 12 साल की थी तभी उन्होंने सुसाइड कर ली थी। उन्होंने कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगी थी, वो कभी भी थेरेपिस्ट के पास नहीं गए। वो जब इस तरीके से चले गए तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, इसी वजह से उसने एक बार सुसाइड करने का ट्राई किया था। वो पास्कल को कहती है कि मुझे बाकी चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही चीज़ मेरे लिए इनफ है। पास्कल और वो फिर इंटीमेट हो जाते हैं। पास्कल कहता है कि तुम्हारे पास एक गिफ्ट है, इस स्पोर्ट में तुम बेस्ट हो, इस तरीके से हमारा गिफ्ट छोड़कर हमें नहीं भागना चाहिए। वहाँ से उठकर वो चला जाता है। रॉक्साना डाउट करने लग गई थी कि शायद पास्कल का अफेयर चल रहा है, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए। एक बार में जाकर वो ड्रिंक करने लग गए। वह उसके पास टॉम आ जाता है। रॉक्साना उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम पहले मुझे लाइक करते थे, शायद मैंने पास्कल को चूज़ कर घर एक गलती कर दी। वो फिर उसके करीब आ जाती है और उसे किस कर लेती है। टॉम उसे रोक लेता है, कहता है कि अभी तुम ड्रंक हो और हम ये सब नहीं कर सकते। इसके बाद वो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट करने की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे। प्रैक्टिस करते वक्त पास्कल को भी लगता है कि उसे भी ये ट्राई करना चाहिए। वो अंडर वाटर गया और फिर से उसका ब्लैकआउट हो जाता है, उसकी हालत ख़राब होने लग गई थी। बोट में रॉक्साना फिर से उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस सबसे हम दूर जा सकते हैं। पास्कल उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, जब चीज़ें हार्ड हो जाती है तो उससे मैं भागता नहीं हूँ। 5 दिनों में तुम्हारा कंपटीशन है और तुम उसमें कम्पीट करोगी। रात में रॉक्साना जब घर पर आए तो पास्कल किसी से बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था। उसे पूछती कि तुम किससे बात कर रहे थे। पास्कल कहता है कि चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉक्साना पर उस पर शक गया। पास्कल घर से बाहर निकल रहा था तो रॉक्साना भी उसका पीछा करती है। एक जगह पर जाकर वो रुक जाता है। अंदर से एक लड़की आई और उसे किस करता है। रॉक्साना को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो फिर रोते रोते डायरेक्टली टॉम के पास आई। उसे कहती है कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं उसे छोड़ रही हूँ। वो फिर उसे किस कर लेती है और कहती है कि आज मैं ड्रंक नहीं हूँ। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर घर पर आती है। पास्कल उसे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थे। उसे भी पता चल गया था कि रॉक्साना किसी और के साथ थे। वो अपने सारे कपड़े पैक कर रही थी। उसे मनाने लग गया पर रॉक्साना कहती कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता है। पास्कल कहता है कि उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रॉक्साना कहती कि मुझे पड़ता है, हमारी रिलेशनशिप में हर एक चीज़ से फ़र्क मुझे पड़ता है। पास्कल उसे कहता है कि मैंने लाइफ में किसी से भी प्यार नहीं किया, सिर्फ तुमसे प्यार किया है। हम जो चीज़ करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इसी वजह से मैंने गलती कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रॉक्साना उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से जा रही थी तो पास्कल ने गुस्से में एक कांच तोड़ दिया। उसका ख्याल रखने के लिए रॉक्साना रुक जाती है। उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। रॉक्साना अब उसके साथ रहने के लिए मान गई थी। वो फिर से अपने कंपटीशन के लिए रेडी होने लग गए। पास्कल को उस दूसरी लड़की का मैसेज आता है पर इसे वो इग्नोर कर देता है। डाइविंग के वेले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पर पास्कल से मिलने वो लड़की आई हुई थी।
इस बात से रॉक्सैना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो रात में बीच पर जाकर अकेली रोने लग गए। अगले दिन वो कॉम्पिटिशन के लिए आए। सब लोग मिलकर रेडी हो रहे थे। पास्कल टॉम के पास आता है। उसे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, पर सब ठीक हो जाएगा, हमारी प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। पास्कल रॉक्सैना के पास आया, उस पर बहुत प्राउड था। इसके बाद वो डाइविंग के लिए नीचे जाती है। जब वो एंड तक पहुंची तो वहां के सिलेंडर में ऑक्सीजन ही नहीं था। नीचे लोग उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो वहीं पर अटक चुकी थी। 7-8 मिनट बाद जब उसे बाहर निकाला जाता है, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। वो लोग टॉम को इंटरोगेट करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ही थी। वो कहता है कि जब मैंने पानी में डाला था तो उसमें ऑक्सीजन था। ऑफिसर कहते हैं कि पानी के अंदर जाने के बाद उसमें से ऑक्सीजन कैसे चला जा सकता है, पहले से ही उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं होगा। रॉक्सैना की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टॉम को ही माना जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो कंट्री छोड़कर जा रहा था। पास्कल उसे दूर से देखता है। वो समझ गया था कि टॉम ने सब कुछ जानबूझकर ही किया है। टॉम वहां से कंट्री छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। किस तरीके से प्यार कभी कभी बर्बाद ही बन जाता है, ये मूवी हमें दिखा कर जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।